मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है। स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब दिन की सबसे बड़ी बहस का। सुलगती हुई उठती हुई लपटें न सिर्फ दिल्ली को जला रही हैं, बल्कि लोगों के दिल जल रहे हैं। उन अरमानों को आज आग लग गई, पिछले 3 दिनों से जो अरमान दिल्ली सरकार से लेकर के केंद्रीय सरकार, गृह मंत्रालय और पुलिस के प्रति लोगों के दिलों में जो उम्मीदें कायम रही होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस किस्म की सख्त टिप्पणी की है, दिल्ली पुलिस को सीधे सीधे कटघरे में खड़े कर रही है, उन राजनेताओं को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है उन टिप्पणियों के माध्यम से जो कि कोर्ट ने किया, कैसे लोगों के खिलाफ, जिसमें कपिल मिश्रा भी हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर भी हैं, जिसमें दूसरे ऐसे कई और नेता भी हैं, अलग अलग पार्टियों के भी नेता हैं, जिनके वीडियोस को आज कोर्ट ने देखा और ये कहा कि इन पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया, क्यों हिंसा को भड़कने दिया गया। साथ ही साथ में अब जबकि दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपती है, उसमें ये कहा जाता है कि साहब हमारे पास में बल पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, यानी कि जो फोर्स है, जो पुलिस बल है, उनकी तादाद कम थी। ये और बात है कि कल दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब बल की तादाद जो है वो बिल्कुल ठीक है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में अब से थोड़ी देर पहले वहां पर अजीत डोभाल NSA पहुंचे, लोगों में एक हिम्मत बधाई और लोग अब कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून और राहत जरूर महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में, जलती हुई दिल्ली के बीच में, इसका असली गुनहगार कौन है? कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक शख्स, या फिर हर शख्स कहीं ना कहीं अपनी जगह पर जिम्मेदार है, जो इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर आती है, इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले रिपोर्ट। दिल्ली की दिल दहलाने वाली इन तस्वीरों को तो देखा ही होगा आपने। हिंसा के आग में सुलगती दिल्ली की सड़कें दिल दहलाने के लिए काफी हैं। 3 दिनों तक सड़कों पर फैली हिंसा की आग ने जब दिल्ली को दहला रखा है, तो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठने लाजमी है। जजेस ने यह कहा है आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि प्रकाश सिंह की जजमेंट जो है वो आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और सारी बुनियादी जड़ जो है, ये जो आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस वक्त दिल्ली में, उसकी जड़ यह है कि पुलिस जो है इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रही है, दबाव में काम करती है, कर रही है, और अगर वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी बिना किसी अपने राजनीतिक आका से पूछे इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो बुनियादी जड़ यह है इस बात की कि पुलिस के ऑफिसर्स जो है संविधान के लिए जो संविधान की जिन्होंने शपथ ली है वो संविधान और कानून का पालन नहीं कर रहे, ये बुनियादी जड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के रुख को सवालों के घेरे में रखा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और हाई कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस को भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिया। और कोर्ट जब दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो सवालों पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में घेरते नजर आए। कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने थोड़े समय पहले जो दिल्ली के हिंसा के बारे में बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदा करने लायक है। अभी हिंसा समाप्त हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर खामोश हो जाएगा। साइलेंस कब तक मेंटेन करेगी गवर्नमेंट? ये साइलेंस क्यों मेंटेन कर रहे? अब तक कंडेमनेशन क्यों नहीं आता सरकार की तरफ से? आखिर इतनी देर क्यों होती मीटिंग लेने के लिए? क्यों पुलिस को नहीं उतारा गया? यह हमारा देश का कैपिटल है, यह कोई विलेज नहीं है, कोई गांव नहीं है, देश का कैपिटल है सर ये।
और पूरा नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की बर्बादी होती है तो फिर क्या क्या मैसेज जा रहा है ये? एक तरफ दिल्ली जल रही थी, दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी चल रही थी। दहशत के साए में दिल्ली की आवाम रात के अंधेरे के छटने का इंतजार कर रही, और हमारे दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा कहते रहे सब चंगा सी। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है, और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है, इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं, सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। चलती हुई दिल्ली को देखने के लिए जमा पुलिस के हाथों में किसकी हथकड़ी कौन जाने, लेकिन सच तो यही है कि अगर हमारी स्मार्ट पुलिस ऊपर के आदेशों का इंतजार नहीं कर रही होती तो शायद दिल्ली की दीवारें यूं स्याह कालिक से रंग नहीं रही होती, शायद आईबी के एक जवान और दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल को जान नहीं गंवानी पड़ती, शायद सुप्रीम कोर्ट को यह भी नहीं कहना पड़ता कि दिल्ली पुलिस को विदेश की पुलिस से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो जब हालात इतने बेकाबू हो जाएं कि कोर्ट को फटकार लगाने पड़ जाए, पुलिस और पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाने पड़ जाए, और ये पूछा जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ में मुकदमा क्यों नहीं अब तक दर्ज किया गया, तो समझा जा सकता है कि क्या इस हिंसा के पीछे सिर्फ और सिर्फ उपद्रवियों की साजिश थी जो कि कामयाब हो गई, या दिल्ली पुलिस की नाकामी थी जो हिंसा रोक नहीं पाई, या फिर राजनीतिक तौर पर पर्दे के पीछे भी कोई खिचड़ी पक रही है। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराएं। उससे पहले आइए आपको आरएन टीवी की वो सवाल जो कि जनता की तरफ से आए हैं, आरएन टीवी के माध्यम से आप देखिए, पूछा जा रहा है क्यों 3 दिनों तक खामोश रही दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने जो कार्यशैली अपनाई उसका असर क्यों नहीं हुआ, भड़काने वाले बयानों पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जैसा कि कोर्ट ने आज पूछा भी है। साथ ही साथ में क्यों दिल्ली पुलिस हमेशा ऊपर से आदेशों का इंतजार करती है, क्योंकि कोर्ट ने इस बारे में भी इशारा किया और साफ शब्दों में कहा हिंसा पर सियासत करने से क्या हालात सुधर जाएंगे, विपक्षी पार्टियां जो इसको एक सियासत का मोहरा बना रही हैं, क्या भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर पार्टी कार्रवाई करेगी। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर क्या हम इस चर्चा में इन सवालों को भी शामिल करेंगे, क्योंकि जनता ये समझना चाहती है। हमारे साथ में सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता अनिरुद्ध सिंह जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में हमारे साथ में है कांग्रेस पार्टी के रफी अता साहब, आपका भी स्वागत। हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार जी हैं, स्वागत है आप साहब आपका। साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर सुनील कौशिक साहब हमारे साथ में, आपका स्वागत। शाहबुद्दीन सैफी साहब समाजवादी पार्टी के नेता, आपका स्वागत है सर। सुरेश चंद्रा जी बीएसपी के नेता, आपका भी स्वागत। साथ में आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत। और जेएस अवाना जी रिटायर्ड डीसीपी दिल्ली पुलिस के, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। आज पहला सवाल मेरा यही, इस पूरी स्थिति में जेएस अवाना जी आपसे ही, क्योंकि हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को, दिल्ली के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल निशान खड़ा किया है, अब ऐसी स्थिति में जेएस अवाना जी, ये पुलिस कमजोर है या पुलिस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वाकई जब तक आदेश नहीं होता है पुलिस कोई कदम नहीं उठाती है? देखिए, पुलिस ने ना कमजोर है और ना इस तरह से ऊपर से आदेशों की कोई वेट करती है। पुलिस, दिल्ली पुलिस सक्षम पुलिस है, और जिस तरह से यह हादसा हुआ, उस हादसे की आप बैकग्राउंड देखें तो इंस्टिगेशन कब से शुरू हुआ कोई एक दिन की बात नहीं है, एक पूरा लंबा सिलसिला है। जो एरिया है जहां पे ये हुआ है उस की टोपोग्राफी देखें कि वो एरिया अनऑथराइज्ड। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं आप पुलिस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस ने जो किया सक्षम थी वही किया जाना चाहिए था, और हिंसा हुई तो हुई, साजिशों का नतीजा और इसलिए लोग मर गए। मैं उसको जस्टिफाई तो करूंगा ही, पहले ही दिन हमारे एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए जो उस इलाके के डीसीपी थे शर्मा, उनको गंभीर चोट लगी जो अभी भी आईसीयू में है, और 58 दूसरे पुलिसकर्मी घायल हुए। ये पहले दिन की बात है, पुलिस कोई खामोश नहीं बैठी थी, 11 FIR दर्ज की गई और
जिस तरह की वहां पे गलियां हैं और जिस तरह से वहां पे सर सारी स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं, समझने सामने वहां पर हैं सब कुछ कि आपके वहां पर प्रोवोकेशन चलता रहा पिछले काफी दिनों से, सीए का विरोध, सीए का समर्थन, ये तमाम एक अलग पहलू उसका है, लेकिन इस किस्म के चैलेंजेस से क्या पुलिस को वाकफियत नहीं थी या ऐसी सिचुएशन आने पर पुलिस आखिर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है, यही तो सवाल है ना सर। मैं भी तो ये इसका जवाब दे रहा हूं कि जो वो एरिया है उसकी छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें अंदर कोई नहीं जा सकता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दुनिया भर के वहाँ पे माइग्रेंट आए हुए हैं, पूरा इलाका भरा हुआ है, वहाँ कैसे पुलिस घुसे? और तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जो कहा उन्होंने ये कहा कि जिसने भड़काऊ बयान दिए हैं उनको देखें और अगर कोई मामला बनता है तो उन पर भी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये नहीं कहा कि अगर कोई मामला बनता है तो उन पर कार्रवाई करे। हाँ, पुलिस ने कहा सर वहां पर कि पुलिस ने कहा कि हमें उस बयान के बारे में, कपिल मिश्रा के बयान के बारे में जानकारी नहीं, कपिल मिश्रा के पीछे वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा दिल्ली पुलिस की वर्दी में। नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा है, कपिल मिश्रा ने, उनका पूरा बयान आप देखें, उन्होंने ये कहा है कि अभी ट्रंप आए हुए हैं और ये जो लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हैं इससे लोगों को दिक्कत है, अगर इन्होंने ये नहीं खोला तो हम सर मैं सिर्फ और सिर्फ कानूनी पहलू, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और मौजूदा वक्त में पुलिस की कार्यशैली किस वजह से क्यों क्या कहा गया, क्योंकि लोगों की जिंदगियां गई हैं, जाने गई हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। हाई कोर्ट ने यह कहा कि हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ में क्या इंतजार करते रही पुलिस कड़ा एक्शन लेने के लिए? 11 FIR दर्ज की दिल्ली पुलिस ने, 11 FIR दर्ज की तो फिर और अभी हो रही है FIR, पुलिस और लोग गिरफ्तार किए गए। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गलत है? मैं ये नहीं कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पूरा पालन दिल्ली पुलिस करेगी और हर कोई पुलिस करेगी, गलत और सही का निर्णय हम करने यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को सर आप, चूंकि मैं आपसे ही सारे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में आपने लंबा समय गुजारा है, आपको पता है कि कैसे होता, क्यों सुप्रीम कोर्ट का कहना बाहर से बैठकर पुलिस को, सर एक सेकंड सर, विदेश की पुलिस को, अमेरिका और ब्रिटेन की पुलिस से दिल्ली पुलिस को सीखना चाहिए, अपने आकाओं के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसके क्या मायने है? दिल्ली पुलिस सक्षम पुलिस है और जो ये बार बार बाहर से बैठ के कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर आप कोर्ट कह रहा है मुसीबत देखें, जान गई है पुलिस की, पुलिस की जान गई है सर, सुप्रीम और क्या करेंगे, डीसीपी वहां पे घायल हुए हैं, दूसरे आईपीएस अफसर हुए हैं सर, आप कह रहे हैं और क्या करेगा भाई? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली पुलिस को विदेश की पुलिस से, ब्रिटेन और अमेरिका की पुलिस से सीखना चाहिए, राजनीतिक आकाओं के आदेश का इंतजार करना चाहिए, ऐसे मामले में पुलिस को एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, भड़काऊ भाषण दिया? उनके खिलाफ भी होगा जिसने भड़काऊ बयान दिए हैं, अगर वक्त रहते नहीं हुआ ना सर, ये साक्ष्य आए तो वो भी होगा, ठीक है सर, कल भी होगा, परसों भी होगा और एक महीने पहले जो दिए गए हैं बयान बिल्कुल भी होगा, यही तो हाँ सब पे होगा, उसमें किसी भी पक्ष से कोई कंसीडरेशन नहीं है, बयान हो कोई पॉलिटिकल कंसीडरेशन नहीं, बिल्कुल सबके खिलाफ होगा, ठीक है लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि और थोड़ा साफ गोई के साथ में आप पक्ष रखेंगे, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस में आपका लंबा समय गुजरा है, आपने साफ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे अनुरोध सिंह जी, इन तमाम चीजों के पीछे जो कुछ हो रहा आखिर बेकाबू हालात क्यों हो गए? देखिए इसकी क्रोनोलॉजी आपको समझना होगा कहां से कब स्टार्ट हुआ। अमानतुल्ला खान जामिया के अंदर भाषण देते, दिल्ली पुलिस जब एक्शन करती लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ छाती पीटने लगते, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा एक्शन हो गया, जेएनयू के पास जाते हैं, अरे चुप रहिए कांग्रेस वाले 1984 में कितना दंगा किया, मेले में कितने लोगों के साथ, चुप रहिए आप, दंगों की आप दंगों के तो मसीहा हैं साहब, दंगे तो आपने पैदा किए हैं, कांग्रेस पार्टी का जन्म दंगों से हुआ है, 1947 के बाद ऐसे दंगे नहीं होने देंगे जी, ठीक है सर, 84 का दंगा आप याद होगा, 1947 में टैक्स से दो पार्टीशन हो गए, अब क्या होता है इसके बाद जेएनयू के अंदर आते हैं, शाहीनबाग के अंदर दिल्ली पुलिस से यह कहा जाता है कि साहब विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आप वहां के लोगों से हटाइए, अभी एक बार बताइए वहां पे लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भारत के तेरे टुकड़े हो जाएंगे, वहां पे क्या चिकन ने कट जाएगा, और दिल्ली पुलिस से कहा जा रहा है विनम्रता, ठीक है दिल्ली पुलिस क्या करती, विनम्रता के साथ ही काम करती, और दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट पुलिस है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, उनकी कमिश्नरी सिस्टम है, किसी का किसी सरकार का दबाव नहीं है, उसके बाद टिप्पणी नहीं, मैं बड़े अदब के साथ आज ये कहना चाहूंगा मुझे माफी के साथ में, कि सुप्रीम कोर्ट स्वाइन फ्लू के ऊपर
बना सकती कमेटी, 72 दिन से कियोस्क वहां पे क्रिएट है, कम से कम दिल्ली पुलिस की यही अधिकार दे देती 72 दिन कि आपको किसी एनी हाउ वहां पे रोड क्लियर कराना चाहिए और लोग वहां जाने चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात करता को जी, शब्द बाय शब्द पढ़ता नहीं हूं। मैं माफी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजों से निवेदन करूंगा, दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, कोर्ट रूम में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण का वीडियो चलवाया, पुलिस से पूछा कि यह जरूरी नहीं है कि हिंसा भड़काने वालों पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो। जाइए जब्बार भाई, ये देखिए, मैं माफी के साथ, कमिश्नर पुलिस इन बाकी वीडियो को देखे, चारों वीडियो को देखे और वीडियो है उनको देखे और अगर देने वालों के खिलाफ करें फौरन एफआईआर दर्ज हो, मणिशंकर अय्यर के खिलाफ भी हो जो साहिल बाग के अंदर जाते हैं, मैं कह रहा हूं अमानतुल्लाह खान के भी हो, अमानतुल्लाह उसमें कपिल मिश्रा हो, उसमें आसू खान के भी हो, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी उनके भाई हो होना चाहिए, उसमें वारिस पठान हो, कोई भी जो इस किस्म के आपसे सौहार्द तोड़ने और दंगा फैलाने की बातें करते हैं ऐसे लोगों को बयान दबा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज टिप्पणी करने पर मजबूर क्यों हुआ? नहीं नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, स्वतंत्र एजेंसी है, स्वतंत्र संस्थाएं कर सकते हैं, अलग बात है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करके कहना चाहूंगा अरे साहब आप तो 84 आपको आनी चाहिए 1947 के अंदर सबसे बड़ा धार्मिक उन्माद आपने पैदा करके देश को बांट कर रख दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए। सुनिए मेरी बात, राजीव गांधी आके बोलते हैं एक सेकंड थोड़ा समझते हैं, एक सेकंड रफियता सर, एक सेकंड मैं सवाल तो ले लूं उनसे, रफियता साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज, अनिरुद्ध जी को चुप करें ना। इस बीच में कांग्रेस पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके अलावा टिप्पणी करने के अलावा क्या रोल रहा है? इस हिंसा के बीच में एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहा है? नहीं, रोल कैसे नहीं रहा, ये हम अमन और शांति की बात कर रहे हैं, हम तो है ना, हम तो हिंसा जो हो रही है हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे जो पूर्व विधायक हैं सारे लगे हुए, शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, हमारे नेताओं ने बयान दिया है, आप लोगों ने शुरुआत आप लोगों ने किया क्योंकि आप लोगों की क्रोनोलॉजी एक 1947 से लेकर दंगा करके कैसे शासन लिया जाता है। गृहमंत्री सबसे पहले बोलते हैं, गृहमंत्री सबसे पहले बोलते हैं कि शाहीन बाग को ऐसा कट लगाओ जैसे शाहीन बाग पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी दिल्ली का हिस्सा है। दूसरा अनुराग ठाकुर, आपके अनुराग ठाकुर, अरे तो आप गद्दार थोड़ो हैं, जो देश आप गद्दार नहीं है, आपके देशभक्त हैं ना, देश बोलते हैं वो साहब, गद्दार जनता के बीच से आवाज आई थी, अनुराग ठाकुर ने नहीं बोला था। अगर कोई बोलता है गद्दारों को सामने से आवाज आती है उसमें अनुराग ठाकुर जी क्या करें, तो जनता की प्रेरणा थी, जनता ने बोला क्या बोलते हैं आपको पता है, और आपके कपिल मिश्रा, अरे आपके मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके क्या बोलते हैं कि भारत के साथ बात सभी बने पाकिस्तान वहां से। रफियता साहब वापस में आता हूँ, ठीक है एक सेकंड रफियता साहब की आवाज बंद की जाए, आप दूर हैं स्काइप से इसलिए समझ में नहीं आ रही आपकी बातें। अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर हर तरफ न सिर्फ हंगामा है, लोग किस तरीके से परेशान है। आम आदमी पार्टी के नेता रमेश मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ में, रमेश मोहन जी आपकी टिप्पणी करना चाह रहे थे, ठीक है माना यह कि गृह मंत्रालय के तहत में दिल्ली पुलिस आती है, तो फिर ऐसे में दिल्ली सरकार का दायित्व ऐसे मौकों पर क्या बनता है? देखिए ऐसा है, पहली बात तो ये जो मानवीय त्रासदी दिल्ली में हो गई है इस पर कोई राजनीति तो होनी नहीं चाहिए। जो दिल्ली सरकार है उसने गृहमंत्री जी से निवेदन किया, गृहमंत्री जी को पत्र लिखा कि भाई यहाँ पे सेना भेजिए, नहीं पत्र नहीं लिखा, ट्वीट, अरे सुनिए पत्र लिखा है, पत्र नहीं लिखा, पत्र लिखा अब आप सुन लीजिए, मीडिया दिन भर मांगती रही, अब आप सुन लीजिए थोड़ा, नहीं सर ट्वीट किया, अरे सर सुन तो लीजिए, ट्वीट करके संदेश तो भेजा, सुन नहीं नहीं पत्र, एक मिनट पत्र नहीं लिखा, वो पत्र लिखने भाग जाते हैं। अब की भी बात आज की ये है, सवाल ये है ठंडा हो गया कि अब इस पे राजनीति की आवश्यकता ही नहीं है। आज जो अदालतों में कार्रवाइयां हुई हैं उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सीधा कमेंट हुआ है कि दिल्ली पुलिस में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। अरे साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो आपका है,
तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेश नहीं दे सकता सर। अरे इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, इतना तो पावर अगर आप बीच में इस तरह से इंटरफियर करेंगे पब्लिक प्रॉपर्टी में, इस तरह से आप इंटरफियर करेंगे रेस्क्यू कर सकता है, बीच में इंटरफियर करने की आदत आपकी ठीक नहीं है। नहीं नहीं श्रीवास्तव, पब्लिक प्रॉपर्टी वहां पे जलाई गई है, लोगों को मारा गया है और उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। आपके नेताओं पर एफआईआर का आदेश दिया गया है, रिकवर करने सर गाड़ी चाहिए, दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए आपको, माफी आपको इस तरह से आपको राजनीति करने की आदत पड़ गई है। पूरे देश का विभाजन आप करते चले जा रहे हैं, पब्लिक गलियों को, बंदों को, परिवारों को, मंदिरों को, अरे हर मुद्दे पर आप भड़काने की आदत आपकी। मनीष सिसोदिया बार बार बोलते हैं जाहिर बात के साथ हम खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता है, आपके भारत जवाब पार्टी हो जाना चाहिए। आपने जलाया है, आपने भड़काया है, सपोर्ट पार्टी बन चुके हैं, आपने आतंकवाद को सपोर्ट किया, देशद्रोही की बात कर रहे हैं। आज आप अदालत की बातों का भी संज्ञान नहीं ले सकते, बेहद बेशर्मी है। आप एक बात पर ध्यान दीजिए, ये अब जो अजीत डोवाल जी इलाकों में जा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। डोवाल जी से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मान लिया कि गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं, तभी अजीत डोवाल जी को उतारा गया है। अच्छा। अब नैतिक जिम्मेदारी बनती है अमित शाह जी की, कम से कम दिल्ली के चीफ ऑफ पुलिस को तो इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें छोटा सा रिएक्शन फिर मांगे देना चाहिए। दिल्ली के पुलिस चीफ को क्यों देना चाहिए? आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपने क्यों नहीं पब्लिक को समझाया? आप अपने घरों में बैठे रहे और आग लगाते रहे, और दिल्ली पुलिस का कमिश्नर जो है इस बहुत है कोर्ट की क्यों थे दिल्ली पुलिस का कमिश्नर? आप कहे गए रिप्रेजेंटेटिव है, आपके इतने सारे एमएलए कहां गए थे? वो एमएलए किसी को समझाया? एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड, किसी को समझाया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है एक सेकंड, एक सेकंड, प्रमोद कुमार साहब एक सेकंड, एक सेकंड, मैं बाकी हर कोई मांग रहा है प्रमोद कुमार साहब तुम्हें क्यों नहीं देना चाहिए टिप्पणी? तुम्हारी मोरल एक सेकंड नहीं है, जिस किस्म की टिप्पणी आप एक अधिवक्ता है, एक सेकंड पूरा मुझे सवाल ले जाने दीजिए ना आप लोग, प्लीज ऐसे मत कीजिए प्लीज। थोड़ा सा प्रमोद कुमार साहब, जिस किस्म की टिप्पणी आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की है, उस टिप्पणी के मायने क्या है? क्या वो दिल्ली पुलिस के लिए फटकार नहीं है? क्या उस बात में खुले तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि जब तक पुलिस को आदेश नहीं दिए जाते हैं, कोई भी पार्टी के सरकार के नाव पुलिस कदम नहीं उठाती है, क्या ये उसमें संकेत नहीं है? और साफ शब्द में कहा जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि साहब हमने कपिल मिश्रा की वीडियो ही नहीं देखे, इतना बड़ा झूठ। देखिए एक चीज मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें सामान्यतः जो दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस जो कार्य करती है, यदि कोई मैटर पेंडेंटेलाइट होता है न्यायालय में, तो ऐसे स्थिति में पुलिस स्वतः अपने संज्ञान नहीं लेती है, वो डिपेंड होता है कोर्ट के डायरेक्शन और ऑर्डर के ऊपर में। इस केस में आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए वहां पे वार्ताकार को भेजा है। अरे सर मैंने आप घुमाइए मत सर, एक सेकंड मैं उस पहलू पर बात करूंगा, क्यों शाहीनबाग होने दिया जा रहा है, क्यों वहां से उठाया जा रहा है उन लोगों को? एक सेकंड सर, एक सेकंड, नहीं नहीं ऐसे ऐसे बात का कॉन्टेक्स्ट मत बनाइए। इसकी जिम्मेदारी हर शख्स के दिल में तूफान है, दिल्ली जल रही है, दिल्ली जल रही है सर, राजनीतिक पार्टियों के तरीके से आप भी घुमाइए मत। एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के उस बात को लेकर के समझना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए शाहीनबाग को, क्यों शाहीनबाग पे वहां वो लोग बैठे हुए हैं, क्या कर रही है? एक सेकंड सर, मैं अभी शाहीनबाग की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, क्या मैं ये कह रहा हूं आज सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले के मायने क्या सर? आप एक सीनियर वकील, उसी मायने की बता रहा हूं, बताइए ना सीधा क्या है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय जो उच्चतम न्यायालय ने, दोनों ने इस बात को संज्ञान लिया है। आप क्या इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पे अर्जन पे अर्जन कर रही है? अरे सर इसमें सर वहां पर अर्जी डाली गई है, कोर्ट का भी अर्जी लगाई गई, क्या संज्ञान लिया? अर्जी डाली गई, आज जो हाई कोर्ट को रात के 12 बजे सुनवाई करनी पड़ती है, क्या हाई कोर्ट को रात के 12 बजे सुनवाई करनी पड़ती है या उसके पहले नहीं हुआ है? अरे सर तो देखिए, आप राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरह से क्यों बात कर रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक अधिवक्ता के नाते कोर्ट ने तीन बातें कही। क्या ये भड़काऊ बयान इस पर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए था? ऐसे में आप एक सेकंड सर, आता या नहीं आता है? दिल्ली पुलिस से कह रहे हैं कि हमने उन बयानों को सुना ही नहीं। कोर्ट ने एक सेकंड सर सवाल सुन लीजिए, कोर्ट ने कहा कि ये वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं, लोग इससे भड़क रहे हैं, लोगों के मन में संशय पैदा हो रहा है, लोग उत्तेजित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। पुलिस कहती है कि साहब हमने इस वीडियो को देखा ही नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये करिए कि आंखों का इंतजार क्यों करते हैं? ऐसे हालात में कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? विदेश की पुलिस से सीखिए,
तो ये सारी चीजें क्या मतलब? मैं आपके सवाल मतलब का पहला सवाल का आपका जवाब दे रहा हूं। इसमें 101% जो है, जो भी भड़काऊ बयान और जो देश अहित का जो काम कर रहा है उसके ऊपर में FIR होनी चाहिए, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सर, मैं होनी चाहिए की बात नहीं कर रहा, सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि उस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के मायने क्या है? मैं टिप्पणी के बारे में पुलिस पर, पुलिस ने गलत किया या सही किया? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने यहाँ पे गलत किया है। पुलिस को डे वन से इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। जी सबाना जी, ठीक है जी सबाना जी, पुलिस ने, आप लगातार पुलिस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुलिस ने गलत नहीं किया। पुलिस ने गलती नहीं किया, मैं ये भी कह रहा हूँ इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार न्यायालय भी है, क्योंकि न्यायालय इस मैटर को जो है सुओ मोटो ना लेकर के नेग्लिजेंट किए हैं, डिले पर डिले करते गए हैं। इसलिए एक अधिवक्ता होने के नाते, जाफराबाद, सीलमपुर, शादरा, मौजपुर, बाबरपुर में जो हुआ उसके लिए न्यायालय जिम्मेदार है। बिल्कुल न्यायालय कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप देखिए, मतलब अब पुलिस की जिम्मेदारी खत्म, सरकार की जिम्मेदारी खत्म, अब न्यायालय की जिम्मेदारी सामने आ रही है। मैं कह रहा हूँ पुलिस की जिम्मेदारी भी है, जब सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे में ये हो रहा है, आप एडजर्न दे रहे हैं। अरे सर, जिसकी जिम्मेदारी है उसके नाक के नीचे नहीं हो रहा है क्या? दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे नहीं हो रहा है? आप पुलिस का डायरेक्शन कौन बाधा हुआ, किसने बाधा सर? क्यों उठा करके बंद करते ऐसे लोगों को, क्यों चलने दे रहे हैं शाहीनबाग को? अगर शाहीनबाग गलत है तो, अगर शाहीनबाग गलत है तो क्यों शाहीनबाग को चलने दिया जा रहा है? क्यों चलने दिया जा रहा है? क्यों होने दिया जा रहा है? अरे कोई भी हो सकता है, कोई भी हो, सरकार किस लिए होती है, पुलिस किस लिए होती है? एक सेकंड, एक सेकंड, 24 से ज्यादा लोगों की जाने गई है सर, 24 से ज्यादा लोगों की जाने गई है, जिसमें हिंदू भी है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें सभी लोग हैं, जिसमें आईबी का अधिकारी भी है, जिसमें दिल्ली पुलिस का जवान भी है। इस हल्के अंदाज में मत कीजिए। एक सेकंड, न्यायालय जिम्मेदार, एक सेकंड, और अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड, इसलिए आज जवाबदेही और जिम्मेदारियों पर ही हम बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है जी, सवाना साहब, रफीता साहब आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, एक तो मैं ये बात कहता हूं कि आप दिल्ली के एक हिस्से को दूसरे के हिस्से को अलग रख के मत देखिए। एक हिस्से का दूसरे हिस्से पे असर पड़ता है। जब एक जगह कोई रोड घेर के बैठ जाता है पिछले 3 महीने से, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, तो वो क्या दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही। तो इसलिए अलग नहीं कर सकते हैं हम। उनको भी लगता है कि जो तुम कर रहे हो, सब घेर रहे हो, ये सब कानूनी है। और जब लोगों का रोड रुक जाता है, जिस रोड पे लोग बैठते हैं उससे पूरा इलाका जाम हो जाता है। आज शाहीन बाग में तो मतलब गलत था, तो गलत था तो गलत को ठीक करने और रोकने की जिम्मेदारी किसकी है सर? अगर तो मैं समझना चाहता हूं, पुलिस ऑफिसर ने गलत किया है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए था। हां, केवल पुलिस को दोष दे रहे हैं, केवल पुलिस को दोष दे रहे हैं। आपको याद होगा, आपको याद होगा शाहीन बाग को लेकर के जब हाई कोर्ट में मामला गया। एक सेकंड, प्रमोद कुमार साहब, मैं सुनील कौशिक जी आ रहा हूं सबकी तरफ, क्योंकि आधे घंटे हो गए मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाने सका हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में, सबसे पहली सुनवाई में क्या कहा था? ये दिल्ली पुलिस का मैटर है, दिल्ली पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस पर एक्शन ले। सर, तो ये भी साथ साथ में कहा है कि दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ करके उन्हें भी नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट बात नहीं करे, या तो हाथ जोड़ेगी या बातचीत करने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट ने एक तरीके से खुली आजादी दी थी कि आपके हाथ में चीजें हैं, कभी ऐसी आजादी नहीं, आप जिस अंदाज में, या तो हाथ फ्री कर दो ना। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, एक सेकंड, होनी चाहिए डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, वही का काम करेगा उसको सूट एंड साइड। सुनील कौशिक साहब, ये ऑर्डर 22 से ज्यादा मौतें, 300 से ज्यादा लोग घायल, दुकानें तोड़ी गई, गाड़ियां जलाए गए, घरों में तोड़फोड़ की गई, सीधे सीधे फायरिंग की जा रही है, छतों से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंका जा रहा है, ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। बड़े बड़े नेता लोग जो गुमराह कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफाइन कर रहा होगा। एक सेकंड, एक सेकंड डॉक्टर सुनील, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, एक सेकंड सर, डॉक्टर सुनील कौशिक सर, एक सेकंड डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, ये सब कुछ हो रहा देश की राजधानी दिल्ली में, ये कहीं बहुत दूर दराज देहात गांव के इलाके में नहीं है, जहां से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस थाने पड़ते हैं, जहां मीडिया नहीं है, ये देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, इसलिए कोर्ट को तो सख्त टिप्पणी करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा, यदि हम बड़ा गहराई से इसको सोचें कि जिस राजधानी में इलेक्शन है, उस इलेक्शन में पुलिस किसी के आदेश के पालन के लिए बाध्य नहीं है,
और जब इलेक्शन जिस राज्य में होता है वहाँ की जांच एजेंसियाँ जितनी भी एजेंसियाँ होती हैं वो अलर्ट रहती हैं। यदि इलेक्शन के समय यदि सारी जांच एजेंसियाँ हों चाहे और सब तरीके की एजेंसियाँ हों वो अलर्ट पे हों और वहाँ भी यदि ये स्थिति हो जाए इलेक्शन के समय पर तो ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं, उस समय के माहौल को यदि हम देखें जहाँ चप्पे चप्पे पर फोर्स होता है, चप्पे चप्पे पे सारी आईबी के लोग भी घूमते हैं और तमाम एजेंसियां हैं वो सारी रिपोर्ट करती हैं, उसके बावजूद भी यदि ये राजधानी में हो जाए तो ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। पुलिस इससे बच नहीं सकती, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। क्या इसका समझा जाए कि बिल्कुल होने दिया बिल्कुल गया मैं जो होने दिया गया जो हाई कोर्ट ने मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पॉन्सर्ड है, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन क्या ये होने दिया गया है जो कुछ हो रहा है जो पुलिस कमिश्नर को ये वाली स्थिति रही है। पुलिस कमिश्नर को एक दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट को थोड़ा सा पढ़िए, उसमें उन्होंने दो गैंग का नाम लिया, छेनू गैंग और नासिर गैंग, इन गैंगों को हायर किया गया। तो आप मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस ये बताए क्या दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे ये दो गैंग पनप रहे थे क्या दिल्ली में? तब तो किसी की सरकार नहीं थी, तब तो आपके हाथ नहीं बंधे थे। यदि ऐसे गैंग दिल्ली पुलिस में स्थापित हैं और वो किसी के इशारे पर या किसी के हायर पर ये कर सकते हैं तो ये भी दिल्ली पुलिस की नाकामी है। दूसरा, हायर किसने किया इसकी उसमें कोई जिक्र नहीं है, कौन पार्टी है, कौन सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कौन संगठन है, या दिल्ली पुलिस उनका नाम भी बताती तो बहुत अच्छा रहता कि उन लोगों ने हायर किया। मैं एक खबर और पीटीआई के हवाले से देख रहा था कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय कुछ रिपोर्ट दी, उसमें कहा गया कि हमारे पास में पर्याप्त बल नहीं थे, फोर्सेस पर्याप्त मैं वही कह रहा हूं, लेकिन कल दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं साहब कमी ही नहीं है। देखो जब गृह मंत्रालय या ये बैठे हुए हैं, जब रिपोर्ट ऊपर से मांगी जाती है तो आनंद फानंद में रिपोर्ट तैयार की जाती है, ऐसा नहीं कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो उसमें कोई वैसा नहीं है कि कौन सी लाइनें छूट गई क्या है, दिक्कत है समय रहते को। लेकिन यदि सिर्फ मेरा ये कहना है, तमाम चुनाव हम लोग कवरेज करते हैं, चुनाव के माहौल में यदि ये प्रदेशों में होने लगे तो मैं कह रहा हूँ इसके दूरगामी परिणाम बड़े बड़े प्रदेशों में बड़े भयंकर होंगे। कहीं ना कहीं शुरुआत तो चुनाव के वक्त से इन सारी चीजों की हुई है, पटकथा चाहे इधर से लिखी गई हो, पटकथा चाहे उधर से लिखी गई हो, कहीं ना कहीं तो पटकथा इसके लिखी गई या खुद ब खुद चीजें होती रही, लेकिन उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया। चुनाव आयोग इसमें कितना जिम्मेदार है? उस वक्त अगर ऐसे बयानों पर संज्ञान लेकर के कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिया होता, FIR दर्ज करने की बातें कही गई होती, क्या महज 36 घंटे 24 घंटे 72 घंटे के प्रचार से रोक लगा देना भर क्या ऐसे बयानों पर अंकुश लगाने के लिए काफी होता है? मैं इस पर भी आऊंगा आपकी तरफ, मगर दो नेता दो मेहमान हमारे साथ में जिनकी तरफ मैं जाने सका हूं, शहाबुद्दीन सैफी साहब, ये जो पूरी स्थिति है क्या चुनाव आयोग इन तमाम चीजों के बीच में भी खामोश तमाशाई बना रहा या फिर चुनाव आयोग को किस तौर पर देखा जाए, क्योंकि सवाल तो हर तरफ से खड़े हो रहे हैं सभी के ऊपर, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर। देखिए जब्बार भाई, बात दिल्ली की नहीं पूरे देश की है, और जब देश की राजधानी महफूज नहीं है तो आप कहां से महफूज कर पाओगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, एक हमारे देश में एक बहुत ताकतवर राष्ट्रपति आया हुआ था, अगर ये घटना यहाँ नहीं होती वहाँ क्या होता? चाहूंगा, इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनता वाली और दो और दिल्ली मेरे ख्याल में करीब 2 करोड़ की जनता है, योगी आदित्यनाथ ने बड़ी मजबूती के साथ में चीजों को बचाए बनाए रखा। नहीं नहीं, आ रहा हूं उधर ही, आ रहा हूं जब्बार भाई, ठीक है ना। अभी तक वहां पर 20 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें 2 एक कांस्टेबल, 1 आईबी का अधिकारी और 18 लोग, जिसमें से 14 से 15 लोग गोली लगने से मृत्यु हुई, और वो भी पुलिस की से। ठीक है, ये गलत। सुन लीजिए एक मिनट, इस बार सुन लीजिए पूरी बात, ठीक है ना। ज्यादातर एक प्रेस रिपोर्टर को जेके के उसको गोली लगी हुई सीने में, उसके सीने में गोली लगी हुई है। एक प्रेस रिपोर्टर को, इंडिया न्यूज के एक रिपोर्टर को धमकी दी जाती है, कहने लगा आप उधर जाके करिए, इधर मत कीजिए, ले देख मेरा चेहरा देख, उसको कहा जाता है। एक रिपोर्टर को रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाती। आप दिल्ली की राजधानी की ये हालत है, बाकी आप क्या करोगे उसको? ठीक है ना, आप नहीं, वो अनुज भाई वही आ रहा हूं, सुन लीजिए, आप देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और दिल्ली की राजधानी, जब्बार भाई वही आ रहा हूं, दिल्ली की राजधानी 3 दिन तक चलती रही, और राष्ट्रपति यहां पर मौजूद था, गृह मंत्री सो रहा था, क्या गृह मंत्री सो रहा था क्या 3 दिन तक? उन्होंने पुलिस फोर्स को आदेश क्यों नहीं दिया 3 दिन? जब्बार भाई, गुजरात बनाने की प्लानिंग थी, इसको गुजरात बनाने की, लोगों की जागरूकता ने, अभी चार बाग में जाइए, वहां पर एक मुस्लिम परिवार रहता आती, पर वो उसको बीजेपी के विधायक ने उसको बचाकर उसके परिवार के लोगों के साथ भेजने का काम किया, उसने हिंदू मुस्लिम लिया पार्टी ने, दोनों तरफ से ऐसी खबरें हैं कि कहीं पर मुस्लिम परिवार को हिंदू परिवार ने बचाया, कहीं पर हिंदू परिवार को मुस्लिम परिवार ने बचाया। सवाल ये है कि इन तमाम चीजों के लिए हम कहां हमसे चूक हुए? जब्बार भाई सोलंकी के पिता का बयान सुनिए, जिनका पुत्र मरा है,
उसने कहा कि कपिल मिश्रा यहाँ पर आए थे और वो दंगा करा के यहाँ के मेरा बेटा उन्होंने मरवाया है। उन बयानों को सुनिए आप, कपिल मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, इतनी देर तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? अनु सिंह जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड अनु सिंह जी, जल्दी से एक रिएक्शन। देखिए बात यह होती जब्बार भाई, आप छोटी घर को बड़ी बनाने का, मैं सुरेश चंद्रा जी आप हवा देने का काम किया, आप जब लोग सीए के विरोध में दंगा करते और बीजेपी तमाशा देखती रही। उत्तर प्रदेश के अंदर जब सीए में दंगा करते, सीए के विरोध में दंगा करते, पुलिस वालों को मारते, पुलिस की जीप चलाते हैं, वहां के आईजी को मारते, सारी चीज करते हैं, तो उसका विरोध सुन लीजिए। इनके पार्टी के अध्यक्ष आते हैं क्या कहते हैं कि हमारी सरकार कभी भविष्य में आएगी सीए के दंगाइयों को, सीए के विरोध में दंगा करने वाले लोगों को हम पेंशन देंगे, उसका प्रोत्साहित ये लोग यहाँ पे होते हैं। इन्होंने ही आपके अध्यक्ष ने कहा था कि जिन्होंने पुलिस की जीप चलाई है, पुलिस वालों को गोली मारी है, उन लोगों को हम पेंशन देंगे, हमारी सरकार आती है, तो ऐसे लोग प्रोत्साहित होते हैं बयानों से। ये आज बात कर रहे हैं, आपने क्या कहा, आपके अध्यक्ष ने क्या कहा कि मेरठ के अंदर चौकी के अंदर दो पुलिस वाले वहां से घेर लिए गए थे भीड़ से और उन लोगों ने पुलिस की जीप चलाई। उसके बाद उन लोगों से यह कहा गया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको पेंशन देंगे, तो ऐसे लोग प्रोत्साहित होते हैं कि पुलिस को गोली मारते रहो हम आपके साथ। एक सेकंड सुरेश चंद्रा जी, तो फिर इन तमाम चीजों के बीच में अगर दिल्ली पुलिस को लेकर के कमेंट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है यूपी सरकार और यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, उसने सख्ती बरती और उस वजह से वहां पर उस स्तर पर हिंसाएं नहीं हुई, दंगे नहीं हुए कम से कम। देखिएगा, पहले तो मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ जिनके परिवार को कोई ना कोई इस हादसे में खो गया। दूसरे ये मेरे साथियों जो पैनल में बैठे, मेरा उनसे अनुरोध है कि मैंने उनको शांतिपूर्वक सुना है, वो बीच में वो न करें, डिस्टर्ब न करें। जो अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों से बिल्कुल स्पष्ट है और हमारा मानना है 2010-11 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद के मामले में, हमारी पांच स्तरीय व्यवस्था थी, कोई माइकालाल जा करके तो दिखाएं मथुरा की तरफ और कोई पंगा करके तो दिखाएं। लेकिन जब अभी वकील साहब जो बात कर रहे थे, भी ऐसी ही व्यवस्था, सुनिएगा जी, वकील साहब जो बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान तो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने की उनके पास पावर है। दूसरे किनको, मतलब किनके खिलाफ FIR करोगे? एक आदमी नहीं है, कोई आदमी जूते मारने की बात करता है, रमेश विधूड़ी हैं, प्रवेश वर्मा हैं, इस गिरिराज किशोर हैं, इन सारे लोगों को जब तक हम नहीं रोकेंगे, एक उस कोने से बोलता है धमकी देता है, एक उस कोने से अमित शाह साहब भरी मंच से धमकी देते हैं, तो उनका जो मकसद था, मकसद ये था कि हम इस देश में इस तरह का डरावना माहौल पैदा कर दें कि सारी जनता डर करके जो हम करना चाहें उसको मानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि दिल्ली से देश में संदेश जाता है, इनकी मानसिकता यह है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि एक बार पुनः, आप भी वही बात कर रहे हैं कि डर का माहौल एक पार्टी बनाना चाहती है और सारी एजेंसीज उन्हीं के साथ में उन्हीं के हिसाब से काम करना शुरू कर दे रही है। वो तो अभी मेरे बीजेपी वाले साथियों ने, सर सुनिएगा, उन्होंने स्वीकार किया कि एक तरफ तो दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाते हैं, तो दबाव बनाता कौन है? केंद्र की सरकार है, केंद्र की पुलिस है, और ऐसा साबित कर देंगे। पुलिस एक्शन करने जाती, अगर ही शाहीन बाग में पुलिस लाठी चार्ज करती, दूसरे दिन छाती पीटते, अरे हाय दैया मेरे दिल्ली पुलिस ने हमें, बताइए मायावती क्या बोल रही, कुछ बोली मायावती जी? अरे बोलना था मायावती, हटा दीजिए इनको, शाहीन बाग खाली होना चाहिए। आज हमने कब कहा है गोली चली, गोली तो पहले भी चली है। उस व्यक्ति के ऊपर सवाल उठाया जिसने एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर उसने बिस्तर दान दी थी, कभी आपने प्रश्न उठाया एक आर्मी के व्यक्ति के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया था जफराबाद के कांड के बाद उठाया? कल नहीं हुआ, किसने दिल्ली पुलिस के ऊपर किसने औरों ने फेंका, किसने फेंका ये तो पूछिए दिल्ली पुलिस से, किसने मस्जिद पे ऊपर चढ़ा है, किसने सपोर्ट करी है, मस्जिद पे कौन चढ़ा है कल, ये तो पूछिए ना, मस्जिद पे कौन गया, किसने भगवान चढ़ा है? मुसलमान ये करना चाहते, हम लोग नहीं बोलना चाहते इस चीज को, यही ये बोलना चाहते हैं। मुझे एक बात बताओ ना,
अकेले मुसलमान को क्यों टारगेट कर रहे हो इस देश में? मुसलमान को डराना आप बंद करिए, मुसलमान डर नहीं रहा। आप लोग बाबरपंथी विचारधारा के लोग हैं और वही आप करना चाहते हैं। यह हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमान की नहीं है। वो संविधान को मानता है इसलिए वो चुप बैठा हुआ है। सुनिएगा की बात नहीं है, वही कह रहे हैं आप। डराने का काम कर रहे हो, डरेगा नहीं यहाँ से, और ना यहाँ से भागेगा या दिमाग से बिल्कुल निकाल देगा। वो ना डरेगा ना भागेगा, और ना ही देश के संविधान को तोड़ने का काम करेगा। संविधान को तोड़ने का आप लोग काम कर रहे हैं। एक सेकंड, पांच पुलिस वाले पांच बच्चों को नीचे लाकर उनके रास्ते काम के वजह से रोक रहे हैं। कमेंट ले लो, उसके बाद में वापस आता हूं। रफियता साहब, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को दूसरा गुजरात बनाने की तैयारी की गई और उसकी एक झलक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो आपके 84 का जिक्र करते हुए कहा कि साहब ये चीज होने नहीं देंगे। आप ये बच सकते हैं क्या? ये बच सकते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान हालात में जो है जो टिप्पणी करी हाईकोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, तो आप देखिए ना, इन्होंने इनका इनका जो मोटो क्या था, यही तो था ना इनका जो जो इनका जो था विचार था, थॉट क्या था, यही था। तीन दिन तक कैसे ढिलाई दी गई, तीन दिन तक कैसे खुला छोड़ा गया, आपने देखा? ऐसे ऐसे वीडियो है, मैं चैनल्स का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे ऐसे वीडियो से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है, और ऐसे वीडियो है जहाँ पे कंकड़ पत्थर रोड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। अरे आपको जफराबाद जाना चाहिए था, वहाँ पे लोगों को रोकना चाहिए था, क्यों नहीं गए? आपको जाना चाहिए था। राहुल भैया आपके कहाँ गए? 84 का दंगा कराना बड़ा आसान था, मेली के अंदर इतने लोगों को काट दिया गया, बड़ा आसान था। जफराबाद में आप बोल नहीं पाते, शाहीन बाग में आप बोलने जाते, कहते हैं कि आप मणि शंकर आइए, आप जाके बोलते हैं कि चाहे जो मेरे लास्ट पर से गुजर जाए लेकिन होना चाहिए। वो क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? दिल्ली का मुख्यमंत्री सड़क और नालियों के लिए बनाया है हमने, दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता ने सड़कों के लिए बनाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को क्या वो पार्कों में पौधा लगाने के लिए बनाया है। मगर सवाल रफियता साहब ये भी तो है कि जब दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेती है थोड़ा सख्त हो जाता है, तो फिर आप ये कहते हैं कि जामिया के मासूम बच्चों को इस तरीके से किया, गोलियां चलाई, मार दिया। सवाल तो वो भी है ना, आप ही लोग करते हो रही थी, गाड़ियां जलाई जा रही थी, तोड़फोड़ की जा रही थी, पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद में ये हंगामा किया गया पार्टियों की तरफ से। और ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, गुजरात नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, ऐसे में ये समझना देश दिल्ली की जनता चाह रही है कि आखिर दिल्ली सरकार का इसमें रोल क्या बनता है, कहीं भी किसी भी नजरिए से? क्या सिर्फ पल्ला झाड़ने का या शांति राजघाट में जाकर के बैठ करके सिर्फ दुआ करने का? जहाँ तक दिल्ली सरकार की भूमिका की बात है, भाई देखिए, हम पुलिस से निवेदन कर सकते हैं कि आप और फोर्सेस भेजिए और वहां पे कंट्रोल। आपको सूट हो रहा है? नहीं, सूट नहीं कर रहा है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी लाशों की राजनीति और नहीं करते। मैंने शुरू में कहा कि हम यहाँ से राजनीति करने नहीं आए हैं। तमाशा देखेंगे, फिर आप भाजपा को सुन लीजिए। जानना चाहते हैं कि आपके अधिकार है क्या, आप इस तौर पर जिम्मेदारी निभाते हैं जी, क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल सुन लीजिए आप, हर विधायक अपने क्षेत्र में घूम रहा है, अमन कमेटियां बना दी गई है, पीस मार्च निकाले जा रहे हैं, प्लस जो हमारे मुस्तफाबाद के विधायक हाजी यूनुस हैं, वो तो कल रात भर अपने क्षेत्र में जहां से भी डिस्ट्रेस कॉल आई उसको अटेंड करते रहे।
पुलिस अधिकारियों से निवेदन करते रहे। अब आप ये बताइए, पुलिस को हम आदेश दे नहीं सकते क्योंकि वो हमारे अंडर में आती नहीं है। याद रखिएगा, हमने हर निवेदन गृह मंत्रालय से किया है, जो दिल्ली में जान माल के अनुज सिंह जी, अभय वर्मा जी, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, ये सब कुछ एक तरफ चल रहा है, उस बीच में आगे आगे वो चलते हैं, उनके साथ में एक पूरी भीड़ है, पुलिस को मारने वालों को गोली मारो, इस तरीके से वही नारा उसी किस्म का लग रहा था। सोशल मीडिया का जमाना है, एक मिनट में चीजें जनता के पास पहुंचती है। बिल्कुल बता रहा हूँ, पुलिस कोई व्यक्ति नहीं होता है, पुलिस एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, एक संविधान का रिप्रेजेंटेशन, एक कंट्री का रिप्रेजेंटेशन, खाकी वर्दी जो होती है वह व्यक्ति विशेष नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं पहन रखा, जैसा तिरंगा झंडा होता है इंसान के, जब हम लोग बाहर जाते हैं, सुन लीजिए नारे के बारे में समझ, अरे साहब जब हम लोग बाहर जाते हैं अपने एम्बेसी में झंडा देखते हैं तिरंगा का, तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं, और जैसे अगर गलती से हम लोग कहीं भी घूमने गए, कुछ भी हुआ, तो जब हम पुलिस की वर्दी वो देखते हैं कि यहाँ दिल्ली पुलिस लिखा यूपी, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो अपने लोग साथ, तो अगर कोई अगर अपनों के साथ कोई ऐसा कुछ करता है तो एक भावना होती है जो बाहर, मैं कह रहा हूं कि जो भड़काऊ बयानों का, भड़काऊ बयान अभय वर्मा ने किया, जैसे कपिल मिश्रा ने क्या भड़काऊ, अमानतुल्ला खान का नहीं लगा, चिकन ने काट रहा है अमानतुल्ला खान को, उठा के बंद किया, अच्छा उस अदालत ने कहा है कि पुलिस तिरंगा झंडा कब गाड़ दो, आप अदालत से ऊपर है, आप अदालत से ऊपर है, अरे अदालत भी समाज आदमी करने को कहा है, अरे अदालत भी अदालत से कहा है, अदालत भी पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं होते रहते, अदालत भी हमने पुलिस की सिक्योरिटी उसके लिए जिम्मेदार है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो आप उठा करके क्यों नहीं अमानतुल्लाह खान को बुक कर देते, क्यों नहीं बंद करते हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, दिल्ली जो होता है यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे जो लीगल काउंसिल होता है दिल्ली सरकार का होता है, अब आप इनसे पूछ लीजिए, चार सीट को जब दिल्ली के अंदर सरकारी प्रशिक्षण किया जाता है तो दिल्ली सरकार के वकील उसको नहीं करने देता, और उस पर दिल्ली पुलिस क्या, दिल्ली सरकार यही कह रहे थे कि ढाई साल तक दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं, चार्ज शीट रखा के लेने के लिए कोर्ट एक साल चार शीट को कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, आप बड़ा परेशानी है, आप करेंगे एफआईआर के लिए, इस तरह काफी तक के पहुंच नहीं जा रहा, एक सेकंड, अरे पहले तक कोई को रोकिए, पहले चार सेकंड, आ रहा हूं मैं आप सबकी तरफ मैं आ रहा हूं, मौजूदा कंडीशन, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जी सवाना साहब, एक को जेल भेज दिया, आप चिंता मत करिए सर, एक सेकंड जी सवाना साहब, सर मेरा स्पेसिफिक सवाल यह है कि क्या पुलिस हालात का अंदाजा नहीं लगा पाई थी, और ऐसे हालात में क्या खुफिया तंत्र जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट देने में नाकाम रही? देखिए, अगर पुलिस को ये इंफॉर्मेशन रही होती कि इस संख्या में इस तरह से होगा, क्योंकि ये जो मॉब साइकोलॉजी होती है, रॉयट, ये तो एक से दूसरा लगता है और बिल्डअप होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई एक दिन का नहीं होता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, ये तो मॉब साइकोलॉजी होती है जो उसके साथ सारे बढ़ते हैं। पर मैं जो आपसे एक दरखास्त कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि इंसान तो हम सबका है, जो भी है किसी भी पक्ष का हो, जिसकी जान गई है वो हम सबका है, तो जब ऐसा माहौल हो, जब दंगे हो रहे हों, तो उस वक्त जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे किसी भी पार्टी का है, रूलिंग का है, अपोजिशन का है, उनको अपने क्षेत्र में जाकर, आखिर इससे हाँ, उनको समझाए, इससे जुड़ा हुआ सवाल कि जब एक सेकंड शाहबुद्दीन साहब जी का जवाब दें, जो वहां पर जाएगा ना, ठीक, आप ठीक,
उन पर मुकदमा कर देंगे, ये लोगों को भड़का रहा था। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा स्पेसिफिक सवाल ये है हमारा साहब, ऐसे हालात में एक सेकंड, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, गलत अच्छी तरह जानते हो, मैं भी जानता हूं, दंगे की आशंका थी, दंगे की आशंका थी या पुलिस के पास जानकारी नहीं थी, और फिर ऐसी स्थिति में वहां पर कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया गया? ऐसी स्थिति में जहां तनाव ज्यादा बढ़ रहा था वहां पुलिस फोर्स ज्यादा तैनात क्यों नहीं कर दी गई? वहां पर पैरामिलिट्री टुकड़ों के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की गई? मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, जो फोर्स का मोबिलाइजेशन है वो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। पहले दिन हुआ, वहां पे लोग थे और 180 के करीब लोग इंजर्ड हुए, और राजधानी में जो यूएस के प्रेसिडेंट आए हुए थे और बहुत सारी फोर्स उनके इंतजाम में थी, और ये समय कल दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब फोर्स की कमी हमारे पास में, जो कहा रंधावा साहब ने, जो कहा उन्होंने कल शाम की बात है जब उन्होंने कहा, और उसके बाद से एक भी घटना नहीं हुई है। नहीं, तो इसका मतलब कल शाम ये के है, बाद से इसका मतलब ये है कि जब देश के अंदर डिग्निटीज आते हैं उस वक्त जनता की सिक्योरिटी सेफ्टी भगवान भरोसे अल्लाह भरोसे हो जाती है। नहीं नहीं, ये बात नहीं, ना ना नहीं, अमेरिका के, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर आए, ना ना ऐसे नहीं है, देश की सिक्योरिटी कोई भी एक क्षेत्र में बात आप कर रहे हैं ना सर, बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात को सुनिए, जब कहीं पे कोई एक विशेष जगह होता है तो दूसरी फोर्सेस बाहर से भी मंगाई जाती है, ठीक है, उसको एक जगह लगाया जाता है, हर वक्त हर जगह इतनी बड़ी फोर्स नहीं लगाई जाती है, ठीक है। अगर ये आभास होता तो पहले हम मोबिलाइजेशन करते। और ये सवाल आप दोनों से, प्रमोद कुमार जी से भी है कि वक्त रहते जो भड़काऊ बयान थे उस पर कम से कम उसकी समीक्षा तो करती पुलिस कि इससे लोग भड़क सकते हैं या इसका क्या असर हो सकता है, वक्त रहते उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? ये तो हो सकता था कम से कम। जवाहर साहब, एक चीज मैं बता दूं, आज ढाई महीने से इसी इशू पर बहस हो रही है हर मीडिया में, हर जगह लोग। नहीं नहीं, मैं ढाई महीने की बात नहीं कर रहा हूं सर, लेकिन मैं जो जेनेसिस है ना, कह रहा हूं इस प्रॉब्लम का जो जड़ है उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां पर इसका असर हुआ है ये बयान की वजह से। आज देखिए, आज जो मेन जड़ है ना, जो आपने बताया भड़काऊ भाषण, ये जो घटना हुआ है जाफराबाद या कहीं पर भी, उसका जड़ में भड़काऊ भाषण। आज भड़काऊ भाषण को सुप्रीम कोर्ट को परिभाषित करना होगा, यदि कोई भी भड़काऊ भाषण दे रहा है, कोई बात कर रहा है, भड़काऊ भाषण पर सख्त कार्रवाई की जो इमीडिएट बड़े बड़े पॉलिटिशियन बड़े बड़े पद पे हैं, ठीक है, एक सेकंड, नहीं है जो मर्जी देश के विरुद्ध रहते हैं, अगर कोई एक नेता किसी एक पार्टी का नेता जो है बगल में कोई पुलिस का अधिकारी खड़ा है, वो कहते हैं कि सिर्फ देश माने हुए, एक सेकंड, जो भी देश एक बात करता हो, एक दंगा फसाद की बात करता है, उसको जो है बंद कीजिए, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, जो है पॉलिटिकल करियर पर बात कर दीजिए। अवाना साहब, ये क्या मतलब है? आप एक तरफ पुलिस के हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कंट्रोल करो, इट्स नॉट पॉसिबल, और इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार न्यायालय भी है, ठीक है, और ये मैं पूरे हैमरिंग करके कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है अवाना साहब आपसे, क्योंकि पुलिस में आपने काफी समय दिया है, जिस वक्त एक पार्टी के नेता एक पुलिस अधिकारी के बगल में खड़े होकर के कहते हैं कि साहब तीन दिन जब तक ट्रंप है तब तक, उसके बाद हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे, ये भड़काऊ या ये बयान आपत्तिजनक होता है पुलिस के डिक्शनरी में? देखिए, ये जरूर आपत्तिजनक है, पर आप उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। नहीं, आप केवल सिलेक्टिव मत लीजिए, आप सिलेक्टिव मत लीजिए, नहीं हम लोग ऐसे बहुत सारे नेताओं के बयान है सर, पूरा आप सुनिए क्या बोला कपिल मिश्रा, तो इसका मतलब तो फिर यह आंदोलन में हम लोग भी कहते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, फिर तो शर्जील भी अपने आप को डिफेंड करने लग जाएगा, फिर तो डॉक्टर पाटिल भी अपने आप को डिफेंड करने लग जाएगा, फिर तो ऐसे सभी लोग कानून के दायरे में आएंगे, तो कहेंगे साहब हमारा तो कॉन्टेक्स्ट ये था, वाह जब्बार भाई वाह, शर्जील की बात और एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि कपिल मिश्रा का एक कॉन्टेक्स्ट था, तो फिर इसी से तो तर्क निकालेगा ना शर्जील भी, डॉक्टर कफील खान यही कहेगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था, जस्टिफाई क्यों किया जाता है, ये हमारे आप
आप एक मिनट बात सुनिए, रास्ता खोलना तो अपराध होगा और रास्ता बंद करना अपराध नहीं है। नहीं नहीं क्यों नहीं, यह बताइए ना, क्यों नहीं अपराध है? मैं कह रहा हूँ मुझे अधिकार है मेरे रास्ते खुलवाए जा रहा है, वही तो पूछ रहे हैं क्यों नहीं रास्ता खुलवाया जा रहा है। अरे सुप्रीम कोर्ट को हाथ से अड़ा हुआ है, वो तो आपको हाथ से गिरा है वहां पर, आपको लाल हो गया। ठीक है सर, सुरेश चंद्रा जी, सुरेश चंद्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल को सारा कुछ पता होता है तो इतने दिन से ये ढाई महीने अरे उसको नहीं पता होता तो, उसकी का एक कोई तो दबाव है ना, आपके कहने के मुताबिक दबाव है ना बीजेपी का, आपके कहने के मुताबिक सरकार का दबाव है ना, दिल्ली पुलिस उनकी है ना। डॉक्टर सुनील कौशिक साहब, और वो सीन बताता है जब्बार जी, जब्बार जी वो सीन दिखाता है जो बयान दिए गए किसी पार्टी का डीसीपी खड़ा है और वो आदमी वहां पर चीजों की वजह से भाषण देता है, आते होते हैं ये चुनाव के वक्त से, आप आगे दिल्ली पुलिस क्या देखा जाए, डीसीपी है और वो सारे हैं वो सब चोट खाने के लिए गए, अरे साहब मरने के लिए गए, मरने के लिए कौशिक साहब अगर पता होता तो आप खुद मरने के लिए जाते, कुछ नहीं है और बयान बहुत सारे, कभी भी एक आज से ताली नहीं बजती है इसमें दोनों। देखो यार आप समीक्षा करेंगे, हो सकता है कोई आयोग कोई कमेटी बने, तो मैं कह रहा हूँ दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है, दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे बयान आए हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के समय पर, फिर मैं कह रहा हूं जब सारी एजेंसियां अलर्ट रहती हैं और वो पुलिस इलेक्शन के समय पर किसी भी सरकार या किसी के दबाव में नहीं होती, फिर ज्यादा केंद्र सरकार के दबाव में थी, ऐसी परिस्थिति में भी ये होता है, पुलिस सत्ता पक्ष या विपक्ष या साजिश करने वाले हैं जो, तो कौन है? मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन के समय के दरमियान यदि ऐसा हुआ है और बिना एनओसी के, बिना एनओसी के लोग धरने पर भी बैठे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अनुज सिंह जी, रफियता साहब, प्रमोद कुमार साहब, सुनील कौशिक साहब, शहाबुद्दीन सैफी साहब, सुरेश चंद्रा जी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जीएस अबाना जी। मगर सवाल ये कि दिल्ली, हमारी दिल्ली जल रही है, दिल्ली में ये दंगा, ये फसाद, ये आग की लपटें, ये शोले, ये जलती हुई गाड़ियां, ये घर, ये लहराते हुए पिस्तौल, यहां पर फायरिंग जिसमें जवान भी मारा जाता है, आईबी का अधिकारी मारा जाता है, हिंदू भी मारा जा रहा है, मुसलमान भी मारा जा रहा है, आखिर कौन है साजिशकर्ता? सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की टिप्पणियों के नजर में शायद आगे इसका हल निकले और ऐसी सख्त नजीर कायम की जाए कि आगे कोई हिम्मत ना कर सके ऐसा दंगा भड़काने के लिए या ऐसा दंगा करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। सरकार पर दोषारोप करना ये गंदी राजनीति है।